आपको इस वीडियो में टोटल चीज बताएंगे कहाँ पे क्या चीज फिट होगा, एलईडी में कौन सा क्या कौन वायर लगेगा, वायर कैसे फिटिंग करेंगे, टोटल चीज आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए। धन्यवाद भाई। कैसे आपको दिखाएंगे कि कैसे ये फिट होगा, आप घर पे तो इतना सामान नहीं रखिएगा, तो आप इससे ही इससे टेस्टर से फिट करेंगे। मेरे पास ये कटर भी है, कटर से नहीं कटेंगे हम, इससे ब्लेड से दिखा देंगे कि कैसे कैसे कनेक्टर इसमें लगाएंगे। तो फर्स्ट टाइम कनेक्शन लीजिएगा तो आपके पास एक एलन भी मिलेगा, ये 10 मीटर ये वायर मिलेगा, ऐसा सेटअप बॉक्स मिलेगा, इसमें रिमोट मिलेगा HDMI, ये LED में भी लगेगा, TV में भी लगेगा, TV के लिए ऐसा कोड मिलेगा आपको, ये AV कोड, और ये एडाप्टर रहता है, 1 साल वारंटी रहेगा, ये 1 साल सर्विस फ्री रहेगा। अभी जो हम लगाएंगे 1 साल तक हमको सर्विस फ्री में देना पड़ेगा, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आएगा सर्विस फ्री में आकर के देंगे हम सर के पास। ये तो हम आपको दिखा रहे हैं फिट करके करेंगे, टोटल क्या बता रहे हैं। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में 10 मीटर ही आपको वायर मिलेगा, हम 50 मीटर लेकर के आए, जो भी लगेगा पर मीटर चार्ज लगेगा 12 रुपये 15 रुपये, ऐसे करके 10 रुपये 12 रुपये लगेगा चार्ज। अभी देखिए देखिए ये इतना नट है, दिखा देते हैं कैसे क्या करना पड़ेगा। ये एक ही नट रहता है, ये एक ही रंध रहता है, और ये ऐसा वाला दो रहता है, इधर रख देते हैं फिट करने में, हम आपको दिखा देते हैं। ये 6 रहता है, ये 2 इधर रख देंगे, ये 4 बच गया, 4 इधर रख देंगे, ये 3 रहता है, 3 इधर रख दिए, ये सब एक भी नट ज़्यादा नहीं रहेगा नट, बाकी ये तो ये हो गया, ये फासनर हो गया, तो ये तो बाद में लगेगा, तो ये 2 बोले 2 इधर रख देंगे। अभी ये कैसे लेंगे, ये ऐसे देख लेते हैं, आ रहा है ना ऐसे, ये वाला देखिए, पहला ये वाला इस ये छोटा सा 2 रहता है, ये वाला इसमें ले लेंगे, ये वाला इसमें फिट कर दिया। अब ये देखिए ये ऐसे करके लगेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे करके लगेगा, ये 3 बोले थे तो ये एक इसमें लग जाएगा, एक ये इसमें लग गया, इधर से नट इधर से ले लेंगे, ये देखिए ये 2 4 बोले थे, ये 2 इधर रख दिए थे, 2 में से ये एक इधर से ले लेते हैं, ये वाला जो है ये इसमें लग जाएगा, ये नट इधर ऊपर से डाल देते हैं, लग गया, फिर एक बोले एक बच गया, फिर एक इधर से डालेंगे, इधर लगाएंगे, ये ऐसे हो गया, ये वाला ले लेंगे, ये ऐसे ये रहता है, ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें लगा दिए, ये ऐसे करके थोड़ा दबा देंगे, ये वाला बोले थे ये LNB में लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ये वाला यहाँ पे लगेगा, ये वाला देखिए ऐसा रहता है, थोड़ा सा गुना ऐसा इधर इस साइड से लगेगा, इस साइड से नहीं लगेगा, इस साइड से लगाएंगे तो इतना बच जाएगा, इस साइड से ऐसे लगेगा, ऐसे लगा दिया, फिर इसको ऐसे करके टाइट कर लेंगे, ये जो जो हम अभी टाइट कर रहे हैं वही सब टाइट करना है, बाकी अभी नहीं टाइट करना है, ये सब टाइट नहीं करेंगे, जो हाथ से होगा उतना ही टाइट करेंगे, बाकी ये छोड़ देंगे। ये ऐसा बन गया, ये ऐसा ले लेंगे, ये ऐसा इसमें डाला, ये जो 4 बोले थे ये 4 देखिए, ये अभी ले रहे हैं, और ये 4 इधर नट ले लेंगे, और ये इधर 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 ऐसे करके डाल देंगे पीछे से, ये ऐसे कर दिए, ये ऐसे कर दिए, ये ऐसे कर दिए, फिर इसके बाद ये 10 नंबर एक ही रिंच से हम बताए, 10 नंबर का ये रिंच रहता है, इससे पैंट कर लेंगे, 3 रिंच से भी हम एक ही से बता रहे हैं, सब खुद से कर लीजिएगा। ऐसे करके कर लिया, ये देखिए इतना बन गया,
इतना बन गया। ये कैप बोलते हैं एलएनबी कैप, इस पे डाल देंगे। और ये वाला देखा, ये वाला जो रहता है ये वाला इधर ले लेंगे। ये दो बच गया, दो देखिए बाकी ये हट गया, ये इधर से डालेंगे। ये ऐसे डाल दिया, ये इसको भी टाइट कर लेंगे। अभी पेचकस कहाँ है टेस्ट है। ये तो ये एलन भी इसमें लगाएंगे, तो पहले खोल लेंगे। ये ऐसे करके खुलेगा कैप, ऐसे करके ये एलन भी रहता है, ये वाला इसमें लगेगा। देखिए ये ऐसे डालें, ऐसे इसमें आ गया। ये अब रेडी हो गया, बन गया। इसको कैसे फिट करेंगे, ये दो बचिया देखिए, ये दो बचिया बस नट। ये वाला ले लेंगे, ये इसमें डालेंगे, ये इसमें ऐसे लगा देंगे। फिर से डाल देते हैं। ये वाला कोई सा भी साइड से लेफ्ट राइट ऐसे जी ग्राफ लिखा हुआ रहता है, ये ऐसे करके लगा देंगे। फिर एक इधर से भी लगा देंगे। फिर अगर तख्ता पे लगाएंगे या छत में लगाएंगे तो ऐसे करके कर देंगे, दीवार में लगाएंगे तो ये ऐसे करके कर देंगे। देखिए अभी दीवार में कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये तो डिस्क फिट कर दिया, तो इसमें निशान लगाने पड़ते हैं। ये ऊपर आगे से ले लीजिए, ये ईट का है, मैं ऐसे करके निशान लगा लेंगे। ये पेंसिल से ऐसे निशान लगा लिया, नीचे में भी चेक कर लेंगे ऐसे। अभी ये बीट, ये 8 mm का बीट रहता है, डाल दो। ऐसे करके हॉल कर दिया, ये फास्टनर ले लेंगे। अभी इसमें डालेंगे, थोड़ी से चाहे इससे अपना ठोक लेंगे। अरे रिंग रिंग से हम टाइट करते हैं, तो ये कैसे बनाना होगा, ये बीट जो होता है ना, बीट टूट जाता है, उसमें हम ये वाला रिंग रिंग का काट करके ये ज्वाइंट करवाएं होल्डिंग दुकान पे। तो आप ऐसे करके बना लीजिएगा तो जल्दी काम हो जाएगा। तो फिर इससे भी अपना ऐसे ऐसे टाइट कर सकते हैं, इससे टाइट कर देते हैं। तो आगे से ये वाला पहले टाइट कर लेंगे, ये दो एक इधर लग गया, ये वाला इसमें लगा देंगे। और ये इधर लगा दिया, इससे टाइट करने में थोड़ा मतलब आसानी हो गया और काफी जल्दी काम हो गया। ये फिर इसके बाद ये सब टाइट कर लेंगे। ये सब इसलिए नहीं तो आंधी तूफान आएगा तो बहुत हिलेगा ये सब। ये अभी चेक कर लेंगे, नहीं हिल रहा है, खर नहीं रहा। फिर ये तो अब ठीक करेंगे, ये वाला ऐसे कर दिया, ये इसमें लग जाएगा। ड्रिल का तार उठा देंगे,
ये इसमें फिट होगा, एक ही रिंच से हम बोले थे, नहीं तो आपके पास ऐसा नहीं रहेगा, तो आप गिलास से ऐसे दिखाइए, ऐसे करके एक साइड पकड़ेंगे, ये ले लेंगे, साइड से थोड़ा सा ऐसे ऐसे टाइट करना पड़ता है। जैसे तो पहले ये सब टाइट कर लेंगे, उसको आपको मिल जाएंगे। ऊपर वाला ये जो है इसको हम टाइट करें, वो फुल टाइट कर लेंगे जितना हो सके, ये सब थोड़ा सा करेंगे टाइट। ये कर लिया, और ये जो डिश ये जो हम लगा रहे हैं उसमें फ्री वाला भी सिग्नल मिलेगा, जिस टीम में ऑलरेडी सेटेलाइट दोनों का सेम है, फ्री वाला भी रहेगा और पे वाला भी सिग्नल रहेगा, इसमें अभी सिग्नल मिलाएंगे, ये अभी वायर लगाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे 10 मीटर में ही हो जाएगा, तो 10 मीटर इधर से काट लेते हैं, इधर देख सकते हैं मीटर लिखा हुआ है, ये 5 मीटर एक जगह हम लगाए थे, 5 मीटर इधर दिख रहा है, 15 पैसे काटेंगे, अठारह 16, ये 15 मीटर, ये 5 मीटर क्योंकि कट गया, 15 मीटर पैसे देंगे तो 10 मीटर हो जाएगा, लास्ट से हम काट लेते हैं, काट लिया, ये सेट फेंक देते हैं, वेंटिलेशन से लेंगे, ये वायर ऐसे करके लेंगे, वायर ऐसे करके इतना ले लेंगे, अभी देखा ये वाला ये मेरे पास देखिए, अभी ये कटर है, ऐसे करके ये करेंगे तो ये बन जाएगा कनेक्टर, पर हम आपको ब्लेड से बताएंगे कि कैसे ब्लेड से बना लीजिएगा आप कनेक्टर लगाने के लिए। ये ऐसा ले लेंगे ब्लेड, ऐसे करके करेंगे, ऐसे करके पूरा सा, ये चाकू ले लीजिएगा, चाकू से भी कर लीजिएगा, ऐसे कर दिया, ऐसे घुमाएंगे ये निकल जाएगा, ये निकल गया, आपके पास ये ऐसा वाला अगर वह कनेक्टर रहेगा, ये तो कंपनी में दूसरा कनेक्टर मिलेगा उनको, हम दिखा रहे हैं, ये ऐसे करके रहेगा, ये वाला ऐसे डालेंगे और ये ऐसे करके लगा देंगे, ये ऐसे लग गया, सही है, अभी ये लगा दिए, अभी जो कनेक्शन है उनको दूसरा से दूसरा कनेक्शन कनेक्टर मिलेगा, अगर आप फ्री वाला कनेक्शन लेते हैं तो सेम प्रोसेस बताएं वैसे ही रहेगा, तो अभी ये इनका कनेक्टर दूसरा जो है दिया हुआ कंपनी वो लगा देते हैं, तो ये ब्लेड से या नहीं तो इससे भी हम लगा देंगे, ये कनेक्टर मशीन हो गया, ये ऐसे करके लगा देंगे, ये ऐसे पंचिंग मशीन हो गया, इससे ऐसे लगाएं पंच हो गया, ये अभी ऐसे करेंगे निकलेगा, क्या निकाल दें पूरा ना स्टार्ट खुजा लेना, इनका पहले वाला ये फ्री वाला सेटअप बॉक्स चल रहा था, फ्री वाला फ्री वाले नहीं है, अच्छा। वो भी बैलेंस वाले हैं, तो इसमें ये वेंटिलेशन बोलते हैं इसको, रोशनदानी इधर से डाल देते हैं, अंदर से खींच लीजिए, तो अंदर से खींच ले रहा है ना, अंदर से खींच लीजिए, तो बहुत काफी वायर बची गया कस्टमर के पास, तो दे देंगे जो भी 10 मीटर के, 5 मीटर में ही काम हो जाएगा, तब पर भी 5 मीटर हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि कंपनी तरफ से 10 मीटर इनका मिला हुआ, ये अभी डाल देते थोड़ा काफी, पूरा हम आपको बताएंगे, अभी नीचे में भी बताएंगे कि कैसे सिग्नल मिला कि नहीं, कैसा आवाज आ रहा है, अभी आ जा, ये ऐसे आ गए
ये ऐसे करके आगे अभी ये कुछ नहीं, इसमें सिग्नल मिलाएंगे नीचे में सेट टॉप बॉक्स लगा करके सिग्नल मिलाएंगे। इसके लिए नीचे आ गए नेटफ्लिक्स अमेजोन, इसमें हम बताएंगे आपको, जस्ट बताएंगे कि एनी कास्ट कैसे होगा, मोबाइल में वीडियो कॉलिंग करेंगे वो चीज पे दिखेगा। तो अभी तो वायर डाले थे हम ऊपर से, यहाँ पे सेटअप कैसे करेंगे वो दिखा रहे हैं। पहले क्या करेंगे, एलईडी उतार लेंगे, नेट टाइट कर दिया नीचे से भी, पता नहीं वो लगा के। हाँ तो ये टाइट वाला नहीं है, देखिए दूसरा स्टैंड है, ये ऐसे ऊपर करेंगे ये निकल जाएगा, ऐसे किए ये निकल गया। ये इसका देखिए ये एडेप्टर रहता है जो कि अभी एलईडी फिट करके गए हैं भैया, ये रहा तो ये एडेप्टर हो गया। अभी हम एचडीएमआई लगाएंगे, चलिए हम दिखा रहे हैं आपको सेट टॉप बॉक्स में से कुछ नहीं लगेगा, अभी ये एचडीएमआई रहता है, एलईडी है, एलईडी में भी लगेगा और ये इसमें भी लगा सकते हैं। एलईडी में लगाइएगा तो आपको क्वालिटी अच्छा दिखेगा, टीवी में लगाएगा एचडी बॉक्स क्वालिटी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, जैसा नॉर्मल में दिखेगा वैसा ही दिखेगा। तो अब टीवी है तो और एलईडी लेना चाहते तो एचडी बॉक्स ले लीजिए टीवी में। अभी देखिए ये कुछ इधर ये हो गया वीडियो का, ये एडेप्टर का, ये नेट का, ये हो गया ऑडियो का, ये पहले वीसीआर आता था इसका हो गया, ये एचडीएमआई 1 2 32 इंच है तो 2 मिलेगा, 56 ऐसे रहेगा तो 3 मिलेगा, यूएसबी 2 मिल गया। इधर दिखाइए यूएसबी 1 2, इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं शादी विवाह का, ये वीडियो अपना देख सकते हैं। ये एचडीएमआई हम देख देते हैं 1 में लगा देते हैं, ये रहा 1, ये 1 में ऐसे करके इस साइड से देखे किस साइड से लगे, ये ऐसे करके लगे ये ऐसे लग जाएगा, अगर इस साइड से डालेंगे तो ये नहीं लगेगा, ऐसे करके लगा दिया। अभी इनको दीवार में लगा देते हैं। अरे पहले वो भी लगा दिए ना, क्या चीज़? हाँ वो भी लगा देते हैं, दीवार में नहीं लगाई अभी। ये एडेप्टर बारे में बोल रहा है। हाँ ये 3 वाला नहीं नहीं 3 पिन ये हो गया, वीडियो कोड चलाएंगे, एचडीएमआई लगेगा इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ये एचडी बॉक्स है ना तो एचडीएमआई से चालू करेंगे तो क्वालिटी अच्छा दिखेगा। ये अभी लगा दिया, वह पीछे टीवी का कोई काम नहीं रहा ना, वीडियो वाला नॉर्मल बॉक्स लेंगे एमपीजी 2 तो उसमें वीडियो वाला लगेगा, ये ऐसे करके लग गया, ये ऐसे लग गया, ये सेट टॉप बॉक्स स्टैंड रहा, ये मिलता है 2 टेबल स्टैंड मिला हुआ है, टेबल स्टैंड ताकि ये एलईडी लग गया, टेबल स्टैंड लगा के पीछे कर दूं। ये वायर भाई सेटअप करेंगे हम लोग, अभी बताया था हम आपको, देखिए ये कनेक्टर काटने के लिए है, ये ब्लेड सेम बता रहा हूँ, नीचे में भी सेम करेंगे, ऐसे करके कर दिए, इतना ही काटेंगे, देखिए इतना ही कटना चाहिए, ऐसे ले लेंगे, ये दिखाए हैं तो पर ये नीचे में भी दिखा देते हैं, ये ऐसे लग गया, ये बॉक्स में ऐसे लगाएंगे, ये ऐसे करके, तो इनका तो अभी दूसरा कनेक्टर मिलेगा, तो ये आप अगर दूसरा बॉक्स लेते हैं घर पे से ही कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कनेक्टर सब चेंज करके बता रहे हैं। ये अभी इनका ये कनेक्टर मिला, ये पतला सा इसमें वायर रहता है वो सब इसमें नहीं सटना चाहिए, ऐसे करके कर दिया, ये पंचिंग मशीन है यहाँ पर, ये इसमें ये जो पतला सा ये निकला हुआ है इसमें जाएगा, ऐसे अटैच, ये बंद, ये हो गया पंच, अभी ये सेट टॉप बॉक्स हो गया, ये अडेप्टर लगेगा जो कि ये रहा, ये एडेप्टर लगेगा, इसमें कार्ड इनबिल्ड है, कार्ड निकलता नहीं है, वीसी नंबर इधर दिखेगा कस्टमर का, वीसी नंबर ये रहा इधर, ये इनबिल्ड है कार्ड नहीं लगेगा, ये कनेक्टर लग गया, ये रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इसमें रिमोट में भी दिया हुआ है, देखिए ऐसा वाला रिमोट मिलेगा तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इधर ये एचडीएमआई हो गया जो अभी इधर लग गया, ये भी पोर्ट, ये होम थिएटर भी बजा सकते हैं इसमें, तो अभी को थोड़ा वायर काफी कम दिखेगा, ऐसे करके ले लेते हैं, वायर बच गया। आपके पास टेक्नीशियन आते हैं एलईडी लेते हैं, उससे पहले आपके पास
हैप पिन सॉकेट रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा वाला बोर्ड रहना चाहिए जो कि अभी सर लगाए हुए हैं पहले से ही। तो ये एक टीवी का एक लेडी का अच्छा बॉक्स का लगा देते हैं, नहीं तो हम लोग कितना जगह जाते हैं तो पता चला जहाँ पे लगा रहे हैं एलईडी वहाँ पे बोर्ड ही नहीं है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है हम लोग को। टेक्नीशियन आने से पहले ये सब ना चेक कर लीजिएगा, ले लीजिएगा आप लोग। ये अडेप्टर इसमें लगा देंगे ऐसे करके, और बहुत सोचते हैं कि दूसरा वीडियो बनाए तो आप कमेंट कीजिए, हम दूसरा भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये थोड़ा वायर कम दिखेगा तो फिर इसे इधर से ऐसे करके ले लेंगे, ये अडेप्टर इसमें डाल देंगे। देखिए वायर बच गया, ये वायर थोड़ा कम दिखेगा, नहीं तो चाहे तो आप अडेप्टर को ऊपर में भी इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, पर इधर ही चलिए। ये ऐसे करके ये अडेप्टर का कनेक्टर हो गया, ये इसे लगा दिए, कस के जाएगा, लग गया। ये इसको ऑन कर देते हैं, इसमें बैटरी लगा हुआ है, ये ऑन हो गया, इसे ऑन कर दिया। तो इसका भी वायर कम कर देते हैं, इसको फोल्ड करके ऊपर में ही डाल देते हैं। मैंने कोई सा बटन से आप काम कर रहे हैं कुछ खराब नहीं होगा आपका। ये अभी नो सिग्नल दिख रहा है, इस पे दिखाइए, नो सिग्नल दिख रहा है। HDMI 2 पे आया हुआ है तो नो सिग्नल दिखेगा, HDMI 1 पे हम करेंगे। ये वाला बटन रहता है सोनी में, स्क्रीन कास्ट कैसे होगा ये भी बताएंगे हम अभी जस्ट। तो ये HDMI 1 पे लगा हुआ है तो सिंबल देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है, ये दबा दिया, ये आ गया वीडियो। वीडियो नहीं लगा हुआ हाईलाइट पे जाएगा ही नहीं, रुकेगा नहीं, ये वो 2 पे आकर के ओके कर देंगे, झील मिलाएगा, कभी झील मिलाएगा। देखिए अभी ये सब वाला अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो आप ये दबाएंगे, ये HDMI जो में लगा रहेगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे, ये आवाज करेगा अभी ये सेटअप बॉक्स। ये देखिए ये HD ये कोड सिग्नल नहीं मिला हुआ है इसके लिए, आवाज कर रहा है। अब रोक देते हैं, अभी अभी हम ऊपर जाकर के हम सिग्नल मिलाएंगे। तो चलिए अभी ऊपर का सीन दिखाते हैं आपको। अभी देखे मैन तो ये हो गया, अपना सिग्नल कैसे मिलेगा अभी। ये कनेक्टर इसमें लगा लेंगे, बिना मीटर का मिलाएंगे तो अभी दिखा रहे हैं। ये बोला इसमें ऐसे करके, ये LNB का कैप है, इसके लिए नहीं दिख रहा है, बारिश वरिश को ऐसे जंग नहीं लगा तो कंपनी वाला अपना LNB कैप दिया हुआ। ये LNB देखिए लीजिए, ये इधर ऐसे करके रहेगा तो इस साइड से थोड़ा सा राइट साइड में ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रहना चाहिए, इतना टेढ़ा रहेगा। अभी नीचे में सुन सकते हैं आवाज़ जो कर रहा था वो आवाज़ से भी, नया कनेक्शन है तो आवाज़ करेगा, बाकी वो कनेक्ट ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ऐसे करके ले जाना, काट काट के नहीं ना ले रहे। हाँ एक्टिवेट हो जाएगा तो आवाज़ नहीं करेगा, सिग्नल नॉट फंड आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, नीचे कॉल कर लीजिएगा और इधर अपना मोबाइल ले लीजिएगा, बोलिएगा कि आ रहा है इतना सिग्नल, आपको नीचे में जैसे सिग्नल आएगा तो बोल देंगे कि हाँ आ रहा है। हेलो, ये देखिए ऐसे ऐसे करेंगे, बापरे ऐसे करके ले जाना जाएगा, ऐसे करके निकाल लिया, इसको मिलाएंगे कैसे, ऐसे करके डाले, ये सिग्नल मिल गया। आवाज अभी दूसरा करेगा, नहीं तो कॉल कर लेंगे नीचे में, तो यहाँ पे रख देंगे, बोलेंगे आया कि नहीं सिग्नल, आई इधर जैसे मिलेगा तो दूसरा आवाज आ जाएगा। ये ऐसे करके देख, इधर इधर से मतलब आवाज आ रहा है, वेंटिलेशन तो इधर है तो इधर से आवाज आ रहा है, तो अभी सिग्नल मिल गया। तो ऐसे करके बिना मीटर का मिला ना, ऐसे इधर इधर करेंगे, इधर भी अपना आवाज करेगा वो छोड़ देंगे, नहीं तो कॉल कर लेंगे नीचे, फोन लगा लेंगे और पूछेंगे, जैसे बोलेगा ब्लैक की स्क्रीन भी आ गया तो आप समझिए कि वहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। तो ये सब अभी टाइट कर देते हैं, ये सब टाइट कर दिया, ये कनेक्टर ये टाइप हो गया, ये ऐसे करके इसमें लगाएंगे, थोड़ा सा ये ऐसे करके रख देंगे ताकि ये घिंचाएगा नहीं, ऐसे रहेगा टैच, इधर लगा देंगे।
फिर इसके बाद क्या करना पड़ता है हमको, एक ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके फोल्ड करके रखना ही पड़ता है यहाँ पर, इसलिए रखते हैं कि आगे जो कनेक्टर लगा है कनेक्टर में जंग लग जाएगा कुछ दिन के बाद, मतलब एक दो साल पानी उनी की वजह से, तो यहाँ पे फोल्ड किया हुआ रहेगा तो ये वायर बढ़ा सकते हैं, नहीं तो बाकी पूरा वायर खींचना पड़ता है उस टाइम। कोई सा भी दूसरा अभी टेक्नीशियन आएगा कभी सिग्नल लाने के लिए, हम ही आएंगे, पूरा वायर ये होगा, तो अपना इधर रख दें तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसे करके सेटअप कर देंगे, उसके बाद ये काट देंगे इधर, क्या नाम है, क्लोज कर दी, आ रहा ना, ये सब काट देंगे अब, क्लोज कर लिया, वीडियो है, वीडियो चल रहा है, ये ऐसे करके ये सब काट देंगे, ये तो बच्चे लोग क्या करेगा घीच घाच करेगा तो सिग्नल प्रॉब्लम आएगा, अभी इसका ये ले लीजिए, अभी सिग्नल दिखाएंगे आपको कि सिग्नल के जाएंगे, अभी ऐसे करके हम आपको और नीचे में दिखाएंगे, वीडियो अच्छा लगा और कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, धन्यवाद। ये वायर ऐसे करके इधर फोल्ड करके मैं रख दिया, इधर से दिया हुआ रहता इसमें, जैसे अभी सिग्नल मिला करके ये कनेक्टर लगाएंगे ये आवाज करेगा, इधर आ जाएगा ये आवाज कर रहा है, इसमें बैटरी लगा लेते हैं, ये रहता है इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, तो पहला ये स्टार्ट पे आकर के से नीचे आ जाएंगे, स्टार्ट पे आकर के ओके कर देंगे, ये सॉफ्टवेयर लगा नया फर्स्ट टाइम ही जब कनेक्शन लगेगा, और उसके बाद फिर चालू करेंगे चालू हो जाएगा, कनेक्शन चालू करेंगे ये चालू हो जाएगा, इंस्टॉलेशन सेटअप हो रहा है, देखिए ये ऐसे करके आ रहा है, ये 100 तक जाएगा, कौन सा मोबाइल है आपके पास, स्क्रीन कास्ट पर है, उसमें दिखा कि वीडियो कॉलिंग कैसे होगा, इसमें लंबा लग जाएगा, नहीं नहीं बस अभी देखिए वीडियो एनी कास्ट, जब तक सॉफ्टवेयर ले रहा है तब तक दिखाते हैं हम एनी कास्ट कैसे होगा, इसमें नेट देंगे तो नेट का ये सारा चीज आ जाएगा, ये वीवो का मोबाइल है, इसमें सेटिंग पहले आ जाएंगे, सेटिंग में आ गए, ओप्पो का रहेगा उसमें भी वायरलेस डिस्प्ले रहेगा, सैमसंग का रहेगा तो इस पे इधर से ऐसे खींचेंगे सेट करेंगे तो स्मार्ट व्यू लिखा रहेगा, इसमें ऐसे करके खोजना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्मार्ट मिररिंग, इस पे आ जाएंगे, इस पे ओके करेंगे, ये फिर ये वाईफाई का ऑन करने के लिए बोलेगा, ये ऑन कर देंगे, ये बैक आ जाएंगे यहाँ से वाईफाई कर लेगा, फिर ये इसमें आकर के स्क्रीन मिररिंग इस पे आकर के ओके करेंगे, ये टर्न ऑन इस पे सर्च लेगा, ये KDL 32, ये 32 इंच का, ये इस पे जैसे ये टच करेंगे इस पे ये अलाउ करने के लिए बोलेगा, इस पे ये देखिए कनेक्टिंग ले रहा है सर्चिंग फॉर डिवाइस, और इधर दिखाइए ना, ये तो आ गया, ये इस पे आकर के ओके करेंगे, ये इस पे स्क्रीन मिररिंग पे ये ओके कर दिया, ये अभी इस पे कनेक्टिंग ले रहा है, जो चीज अभी मोबाइल पे है वो चीज पे दिखेगा, मोबाइल में रैम रहेगा जल्दी पकड़ लेगा, फिर चल लेते हैं, ये आ गया इस पे देखिए, ये कनेक्ट किया, नहीं आएगा तो आप थोड़ा ऐसे कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, फिर ये ऑन कीजिएगा, इस पे नाम आएगा, ऐसे कनेक्ट कीजिएगा, ये कनेक्टिंग हो रहा है, प्लीज वेट बोल रहा है रोकने के लिए, अभी जैसा ये वो चीज इस पे दिखेगा, यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा है, अभी देखिए इधर, अभी जो चीज करेंगे वे वीडियो चलाएंगे यूट्यूब
यूट्यूब पे अभी वीडियो चलाएंगे, यूट्यूब पे ऐसे चला रहे हैं अभी मोबाइल में। जैसे ये अपना इधर करेंगे ऐसे पूरा स्क्रीन पे करने के लिए मोबाइल में, जैसे हेलो फ्रेंड ये ऐसे करेगा, ये कैसे करेंगे, ये ऐसे करके मोबाइल में भी दिखेगा और उस पर भी दिखेगा, ऐसे करके करेंगे तो ये फुल हो जाएगा। कोई सा भी अपना देखना चाहते हैं फिल्म विल्म उस पर सर्च कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर बंद करने के लिए अपना इधर से वाईफाई, ये वीवो में नीचे रहता है ये वाईफाई बंद करेंगे, ये आ जाएगा एच डी में वन पे ओके कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये सॉफ्टवेयर ले लिया, इसको चालू कर देते हैं। बंद कर दीजिए अब, बोलिए ना कहीं वो, अब वीडियो लाइक कर लीजिए और बताएंगे चैनल के शॉर्टकट में कितना पे और बंद कर दीजिए। ये सॉफ्टवेयर लेने के बाद अभी बैक करेंगे तो अभी ये इस पे ऐड देगा, फिर ये नो अकाउंट बैलेंस दिखेगा 102। इस पे हम कस्टमर केयर का नंबर डाल दिए हैं, सोनी लो एडवाइट फ्लिप्स लिप्स, और ये नहीं दिखा सकते क्योंकि कस्टमर का वीसी नंबर है। इस पे और 301 तक का कैशबैक पाएं। ये अभी बंद हो गया क्योंकि कस्टमर के मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, हम अभी ये सेटअप बॉक्स का फोटो भेजे तब जाकर के एक्टिवेट होगा। तो अभी सर्विस सेंटर में भेज दिया, अभी कस्टमर के मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा उसके बाद चालू होगा, तो देखते हैं। फिर मोबाइल पे आ गया ओटीपी, तो देखिए अभी ये चालू हो गया कनेक्शन, अभी शॉर्टकट में अभी जैसे नया नया सेटअप बॉक्स लगाए तो पता नहीं होगा कि कहाँ पे कौन चैनल है, तो 104 लगाइएगा आपका सीरियल शुरू हो जाएगा। यहाँ से सोनी सेट स्टार प्लस जी टीवी कलर रिश्ते सोनी सब ये सब टोटल आ जाएगा, जो कि अभी देख सकते हैं। ये HD एक महीना फ्री रहेगा आपका इनका। अभी न्यूज लगाना होगा, 651 लगाएंगे, 650 पे लगाएंगे ABP न्यूज आ जाएगा। ये देखिए न्यूज आ गया, अभी 1552 लगाएंगे तो ये आ जाएगा भोजपुरी। आस्था भजन देखने के लिए 1077 लगाएंगे, ये आ जाएगा मटकी पकड़ के लटक गए प्रभावती। बाकी फिल्म देखने के लिए अपना 304 लगाएंगे, ग्रैंड पिक्चर से शुरू हो जाएगा। शॉर्टकट में हम बता दिया चैनल करके उसे देखती हो यार, ये सब चैनल पे लॉक बुक भी लगा सकते हैं, तो आप आगे जाकर के वीडियो में देख लीजिए मेरा चैनल पे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सर हम जानकर बताएंगे। ये रिमोट में पेयरिंग भी कर सकते हैं, वो वीडियो बना चुके बहुत सारा, कमेंट कीजिए कुछ प्रॉब्लम आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सॉन्ग देखने के लिए सॉन्ग इधर आ गया।